अपने यहाँ गायत्री माता का आपको शिक्षण दिया जाता है, गायत्री की उपासना में भी लगे हुए हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं गायत्री किसके कंधे पर सवार होती है और कौन गायत्री को अपने इशारे पर नचाए नचाए फिरता है। गायत्री माता की तस्वीर को आप जो ध्यान करते हैं, इस तस्वीर में उसका वाहन देखा है ना आपने, एक वाहन का नाम है हंस, हंस के ऊपर गायत्री माता सवारी करती हैं। ये बात शायद आपकी समझ में ना आए, क्योंकि इंसान की बराबर शरीर जिसका है वो जानवर पर पशुओं पर सवारी तो कर सकते हैं, लेकिन पक्षियों पर सवारी नहीं कर सकते। घोड़े पर आप बैठ सकते हैं, गधे पर बैठ सकते हैं, हाथी पर बैठ सकते हैं, ऊंट पर बैठ सकते हैं, भैंसे पर बैठ सकते हैं, इन पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन आप बताइए किसी पक्षी पर जिसका वजन बेचारे का नहीं की बराबर है तो उसके ऊपर कैसे आदमी बैठ पाएगा। ये एक अलंकार है जिसमें ये बात बताया गया है कि हंस उस व्यक्ति का नाम है जो उचित और अनुचित का फर्क करना जानता है। आपको उचित और अनुचित का फर्क करना चाहिए, लोगों के रास्ते पर चलने की बनस्पत आपको अलग खड़े होकर के देखना चाहिए कि मुनासिब रास्ता क्या है, मुनासिब तरीके क्या है, मुनासिब क्या है। लोग गलती करें तो आप क्या कर सकते हैं, गलतियों का ही जमाना है। आप पानी के बहाव में तिनके की तरीके से बहते चले जाएं, भला ये भी कोई समझदारी है? आप हवा में उड़ते हुए पत्तों की तरीके से उड़ते हुए चले जाएं, भला ये भी कोई समझदारी हुई? आपको वजनदार होना चाहिए, आपको अपनी जिंदगी के बारे में फैसले स्वयं करने चाहिए, अपने रास्ते का चुनाव करने वाले में आपकी हिम्मत आपकी सहायक होनी चाहिए। ईमान और भगवान दो चीजें ऐसी हैं जिनकी सहायता से आप बड़े से बड़े फैसले कर सकते हैं। दुनिया में तो आमतौर से गलत काम होते हैं, लोग तो सिर्फ अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर की खुशहाली के लिए जो भी बुरे से बुरा काम हो सकता है सब करते हैं। लोग तो ऐसे बेअकल हैं कि लोगों को आज का फायदा दिखाई पड़ता है, कल का नुकसान कहाँ दिखाई पड़ता है? जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं इसमें क्या बात है, आप जरा बताइए। आज का फायदा कल का नुकसान आप ही करेंगे ना। लोगों के रास्ते से हटिए, लोगों के रास्ते से हट करके अलग खड़े होकर के नए ढंग से विचार करना शुरू कीजिए कि क्या मुनासिब है और क्या मुनासिब नहीं है, आपका भविष्य किन बातों से बनता है और किन बातों से बनता नहीं है। अगर आप ये बात तय करने लगेंगे तो मैं आपको ज्ञानवान कहूंगा। ज्ञानवानों की आपने तारीख पढ़ी है ना, भगवान बुद्ध का नाम सुना है ना, भगवान बुद्ध में क्या विशेषता हुई, भगवान से क्या वरदान मिला, उनको क्या विशेष संपदा मिली, आप उनके जीवन को पढ़िए। बोध वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे जिसके नीचे उन्होंने तप किया था, उनको एक खास चीज मिल गई, उस खास चीज का नाम था विवेक। दूर की बात समझने का उनको मादा मिल गया, उन्होंने कहा सारी दुनिया से प्रभावित होना नहीं है, हमको दूसरों को प्रभावित करना है। दूसरे जो मुनासिब मान भी सकते हैं, लेकिन अधिकांश बातें खासतौर से जीवन यापन करने के संबंध में, जीवन की संपदा का उपयोग करने के संबंध में अधिकांश लोगों की राय गलत, लोगों के ढर्रे गलत है। उन्होंने अपने आप को भगवान बुद्ध ने अलग से खड़ा करके शुरू किया और जमाने की ओर से आंखें बंद कर ली और फिर स्वयं अपने भीतर देखा और अपनी जिम्मेदारियों को देखा, अपने भविष्य को देखा, अपने कर्तव्यों को देखा और उन्होंने वो फैसले किए जिसके आधार पर एक सामान्य राजकुमार भगवान का अवतार कहलाने में समर्थ हुआ। उस जमाने में क्या होता था उन्होंने जरा भी विचार नहीं किया, उन्होंने ये कहा मुनासिब क्या है, जो मुनासिब था वही लोगों से कहा। यज्ञों में हिंसा होती है ना, हम हिंसा नहीं करेंगे। यज्ञ की बात वेदों में लिखी है, तब भगवान बुद्ध वेदों के बारे में जानकार नहीं थे, तो उन्होंने कहा वेद में ऐसा लिखा है तो वेद को आपको नहीं मानना चाहिए। फिर लोगों ने कहा वेद तो भगवान बनाए हैं, तो उन्होंने ये कहा अगर भगवान ने ऐसे वेद बनाए हैं जिसमें के नैतिक सिद्धांतों का परिपालन नहीं हुआ है तो अपने ऐसे भगवान को मानने की आवश्यकता क्या है। फिर उन्होंने भगवान के मानने से इनकार कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने विवेक को बुद्ध का अर्थ है या विवेक ठीक वास्तविकता को उन्होंने अंगीकार कर लिया और उन्होंने ये फैसला किया जो वास्तविकता होगी सच्चाई होगी हम सिर्फ उसी बात को मानेंगे और बातों को नहीं मानेंगे। इसी का नाम है आत्मज्ञान, इसी का नाम है ब्रह्म विद्या, इसी का नाम है प्रज्ञा, इसी का नाम है स्वयंभरा। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था गायत्री की महत्ता आपने जानी है, आप उसका वाहन बनना शुरू कीजिए। उसके वाहन की दो ही तो विशेषता है, एक तो यह है कि नीर और खीर को अलग कर देता है, पानी और दूध को अलग कर देता है। इस दुनिया में जो कुछ भी मिला हुआ है घपला है, सब गुड़ गोबर मिला हुआ है, कहीं सच्चाई की झलक दिखाई पड़ती है और उसी के साथ में भिटाई और बेईमानी का कितना गहरा पुट दिखाई पड़ता है। आप अलग किस तरीके से करेंगे, आपकी विवेकशीलता के माध्यम से संभव है कि आप दोनों को अलग कर दें
राजहंस के बारे में ये बताया गया है कि या हंसा मोती चले या लंघन मर जाए। लंघन मरना ठीक है, अगर आप ईमानदारी से नहीं कमा सकते, मुनासिब जिंदगी नहीं जी सकते, तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। आप नहीं जीने से मेरा मतलब यह है आप गरीबी में गुजारा कर लें, कंगाली में गुजारा कर लें, तकलीफ में गुजारा कर लें। तकलीफ में गुजारा ढेरों आदमी करते हैं, कोई हरी बीमारी से करता है, कोई जेलखाने चला जाता है, किसी के बाल बच्चे खराब हो जाते हैं, किसी के ऊपर और मुसीबतें आती है। ढेरों आदमी इस दुनिया में ऐसे हैं जो किसी वजह से मुसीबत उठाते हैं। आप सच्चाई की वजह से, ईमानदारी की वजह से और दयानतदारी की वजह से अगर मुसीबत उठा लें तो क्या हर्ज की बात है। सच्चाई की थोड़ी सी झलक और बेईमानी का अधिक से अधिक मादा, यही तो लोक व्यवहार है, दुनिया यही तो है। आप अलग कीजिए और हंस बनने की कोशिश कीजिए। समाप्त। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।